सात दिन कथा सुनने के बाद में जब परीक्षित का मोक्ष हो गया, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि इस भागवत पुराण में ऐसी कौन सी विशेषता है, जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है उसका कभी मोक्ष नहीं होता है, और भागवत कथा सुनने पर परीक्षित का मोक्ष हो गया, इस पुराण में ऐसी कौन सी विशेषता है। तो उन्होंने एक तराजू लिया और तुलना की। तराजू की एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत शास्त्र को रखा, एक पल्ले पर अन्य मोक्ष के साधनों को रखा, और जब तौला तो वजन में श्रीमद् भागवत शास्त्र का पल्ला भारी हुआ, अन्य जितने भी मोक्ष के साधन थे वो सब हल्के हुए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है भागवत महापुराण, इसलिए इसकी ये विशेषता है कि लोग इसका कितना सम्मान करते हैं, किसी अपने सर के ऊपर पधरा करके नगर परिक्रमा करते हैं। ये कृष्ण का स्वरूप है, सर पर पधरा करके जब नगर परिक्रमा होती है तो अमंगल नहीं होता है। ऐसी कई विशेषताएं भागवत महापुराण की हैं। तो कहा कि ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने सुनी और भागवत की कथा को किसने सुनाया पहले। तो कहा ये भागवत की कथा सबसे पहले सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। यद्यपि ये कथा नारद जी ब्रह्मा जी से सुन चुके थे, लेकिन कुमारों ने ये कथा उन्हें सुनाई। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।